स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। लास्ट टाइम मैंने आपको ये कहा था कि आज हम आपको एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे, तो कुछ उसी के बारे में आज बातचीत करनी है। तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके टाइप्स और किस तरीके से होता है उसको कुछ थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। तो इधर आगे जो भी अब इधर 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर जो भी चलेंगे वो एयरक्राफ्ट पर ही बेस्ड होंगे। तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जो एयरक्राफ्ट का या एरोप्लेन का जो टेम्परेचर होता है, जो उसके अंदर का एयर का जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो द टेम्परेचर ऑफ एयर शुड नॉट एक्सीड Should not exceed above 22 degree से 25 भी रख सकते हैं, लेकिन 22 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर लोग बैठते हैं वो पैसेंजर जहाँ पर बैठते हैं पैसेंजर वहाँ का टेम्परेचर भी यही होता है, तो ये पैसेंजर केबिन का भी टेम्परेचर होता है, ये पैसेंजर केबिन का टेम्परेचर होता है ये वाला जो आप देख रहे हैं। और जहाँ पर इटेबल गुड्स रखे होते हैं वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जहाँ पर इटेबल गुड्स या ड्रिंक्स भी जहाँ पर रखे होते हैं, पेय पदार्थ खाद्य पदार्थ, तो वो जहाँ पर रखे होंगे उन सब जगहों का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो अब हम इतना ही हमारी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के लिए हम एयरक्राफ्ट सिस्टम में रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी कभी एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए कभी कोई चीज़ डिज़ाइन की जाती है तो उसमें वेट का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो एयरक्राफ्ट को कौन कौन से वेट बियर करने पड़ते हैं शायद आपको पता होगा। हम पहला जो होता है तो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन लिख लेते हैं, एरोप्लेन कंटेन्स द फॉलोइंग लोड्स। कौन कौन से लोड्स होते हैं एरोप्लेन के अंदर? सबसे पहला आता है इंजन लोड कि इंजन का जो लोड होता है वो इंजन लोड हो गया। दूसरा, जब आप रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाएंगे तो उसका लोड, तो लोड ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट के इंक्रीज लोड कहलाता है। ये जो है ये पढ़ा हुआ लोड है, ये इंक्रीज लोड है, ये वो उसी में फिर डेड लोड या पे लोड लिया जाएगा, साथ में फ्यूल लोड ये सारे लोड लेकर के जब वो एयरक्राफ्ट चलेगा तो सोचिए उस केस में जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो फ्यूल कंजम्पशन जो होता है कहाँ कहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन होगा? जो फ्यूल कंजम्पशन होता है कहाँ कहाँ होगा एक तो रनिंग कॉस्ट रेफ्रिजरेशन प्लांट को ऑपरेट करने की कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, जो ऑपरेट होता है उसके बाद जो रेफ्रिजरेशन प्लांट, इसी में क्या हो जाता है रनिंग कॉस्ट के साथ साथ जो रेफ्रिजरेशन प्लांट को रन कराने के लिए कितना फ्यूल लगता है वो सारी चीज़ें इसी में हम ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के और साथ में क्या है कि अगर आप
हैवी रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी आ जाती है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है रेफ्रिजरेशन प्लांट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो लोड है, लोड के साथ साथ हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर लोड कम होगा तो रनिंग कॉस्ट कम होगी, अगर रेफ्रिजरेशन प्लांट का लोड कम होगा तो उस केस में फ्यूल कंजम्पशन हमारा जो है कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत महंगा ना पड़ने पाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट की इटसेल्फ अपनी खुद की जो है डिज़ाइन और इस तरीके की कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है डिज़ाइन और कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो रेफ्रिजरेशन प्लांट की कॉस्ट भी अगर उस पर बढ़ा दी जाएगी तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब उसकी कॉस्ट हो जाएगी, तो ये इसका भी ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट को भी मिनिमाइज किया जाए। तो हमें जो ध्यान रखना है वो क्या करना है, यहाँ पर इन डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में हमको ध्यान रखना है कि जो लोड हो टोटल लोड वो कम हो और फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट ये भी कम हो, फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट भी कम हो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है जब भी कभी हम एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करेंगे। देखो होता ये है कि जो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन का केस होता है तो वहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, वैसे तो ये फिजिबल नहीं रहा, अब तो जो भी एरोप्लेन होते हैं उसमें वेपर कंप्रेशन यूज़ होने लगा है, वेपर कंप्रेशन यूज़ करते हैं, लेकिन वेपर कंप्रेशन के अलावा जब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है तो वहाँ पर आपको पता है कि जब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा तो वहाँ पर फेज चेंज नहीं होगा और सेम फेज में एयर रहेगी थ्रू आउट द साइकिल, तो उस केस में होता ये है कि जो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इसकी जो होती है वो जो वेट जो होता है ये इसमें कम होता है, वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज लीस्ट, ये इसका एडवांटेज में आ जाएगा, ये इसके एडवांटेज में है। तो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एयर क्या होती है, एयर नॉन फ्लेमेबल होती है, तो एयर जो होती है, एयर के बारे में हम बात करें तो एयर क्या होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, इसका मतलब कि इससे अगर रेफ्रिजरेशन किया जा रहा है तो आग लगने की संभावना ना के बराबर है, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो लो होती है, तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो गई। तो स्पेस जो होता है, वैसे जो स्पेस के बारे में बात करें तो स्पेस जो वेपर कंप्रेशन का केस होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस जो होता है ये कंपेरेटिवली लेस माना जाता है, ये लेस स्पेस। तो कुल मिलाकर के ये बात आई कि अगर हमको एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन करना है, एरोप्लेन में रेफ्रिजरेशन करना है, तो जो केबिन का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रयास ये किया जाता है, और जो जहाँ पर इटेबल गुड्स खाने पीने का सामान ड्रिंक्स रखा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर करीब करीब हम -5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। एरोप्लेन में कौन कौन से लोड होते हैं, इंजन लोड, लोड ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, डेड लोड, पे लोड, वो तो उसी में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम अलग से भी लिख देते हैं फुल, और उसके बाद फ्यूल लोड, जो फ्यूल का जो लोड होता है उसके अंदर फ्यूल भरा होता है, तो इसमें और उसमें क्या होता है, फ्यूल कंजम्पशन की वजह से जो कॉस्ट आती है कहाँ कहाँ पर आती है, वो रनिंग कॉस्ट हो गई, और उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो जब डिज़ाइन करते हैं इसको तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि लोड इसका कम से कम हो, फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट कम हो जाए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं कि वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होती है इसकी लीस्ट होती है, मतलब वेट कंपेरेटिवली कम होता है, तो यही हमको चाहिए एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में। दूसरी बात क्या होती है कि जो एयर होती है वो नॉन फ्लेमेबल होती है, जल्दी से जलती नहीं है, तो मतलब ये जलने में सहायक होती है लेकिन ये जलती नहीं है, लेकिन बाकी के रेफ्रिजरेंट्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं, तो ये जो है इससे इस तरीके से सेफ्टी मिलेगी कि यहाँ पर फायर होने की संभावना कम होगी।
लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्ट इसकी जो कि सिंपल डिज़ाइन होती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो लो होती है, स्पेस भी जो है कंपेरेटिवली कम होता है, लेस स्पेस होता है। तो इस तरीके से यह समझिए कि जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आइए अब हम जो है इसके टाइप्स बताते हैं, कितने तरीके के क्लासिफिकेशन करते हैं हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन वो किस किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली फोर टाइप्स के रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, एयरक्राफ्ट में फोर टाइप्स के रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है सिंपल टाइप का, बेसिक और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है बेसिक और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें दो तरीके के, इसमें भी हम दो तरीके का कर सकते हैं, एक विद और विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग। ये इस तरीके से पहला आता है, ये बताएंगे विद और विदाउट, विद और विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग का मतलब ये हो गया कि जब हम इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं तो एक लिक्विड ईथर या नाइट्रोजन टाइप, लिक्विड नाइट्रोजन टाइप का एक लिक्विड हम एक साथ उस वहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं तो विद हो जाता है, विदाउट जो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो विदाउट हो जाएगा। तो वो हम अभी बताएंगे आपको, तो समझ में आ जाएगी बात। दूसरी चीज आती है, दूसरा जो टाइप होता है वो बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो बूट स्ट्रैप में भी दो तरीके का ही आता है, यहाँ पर विद और विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग, ये बूट स्ट्रैप में आ जाता है। तीसरे तरीके का जो होता है वो रीजनरेटिव होता है, रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रीजनरेटिव। और चौथे तरीके का जो होता है वो, और फोर्थ चौथे तरीके का रिड्यूस्ड एम्बिएंट, रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रिड्यूस्ड एम्बिएंट चार तरीके का हम बेसिकली आपको पढ़ाएंगे, ये जो चार है यही इम्पॉर्टेंट है और हर एक तरीके की एयरक्राफ्ट वेलोसिटी में चारों फिट हो सकते हैं, चारों अलग अलग तरीके से फिट हो सकते हैं, अलग अलग रेंज पर, अलग अलग मैक नंबर पर। वो भी बाद में जब डार्ट का हम डार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ड्राई एयर एयर रेटेड केबिन टेम्परेचर को, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको जो है हम किस किस जगहों पर कितने मैक नंबर पर हम इसको एडजस्ट करते हैं। फिलहाल के लिए सबसे पहले हम बेसिक बताना चाहते हैं, बेसिक और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। तो पहला यही है बेसिक और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। पहले हम बताएंगे आपको विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग, पहले हम इवेपोरेटिव कूलिंग नहीं बताएंगे, पहले हम विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग बताएंगे, उसके बाद जब ये आप सीख जाएंगे तो विद इवेपोरेटिव कूलिंग भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, तो ये है विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए उसकी फिगर है क्या कि जैसे मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट ये आगे की तरफ जा रहा है तो जो एम्बिएंट एयर है रैम होकर के एयरक्राफ्ट की स्पीड से अंदर की तरफ आ रही है, तो रैमिंग जो होती है, रैमिंग एक्शन जो होता है वो एयरक्राफ्ट की स्पीड से ही हो जाता है। फिर वो एयर जो होती है वो मेन कंप्रेसर में जाती है, मेन कंप्रेसर में कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने के बाद वो जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इस पाइप से आएगी नीचे, और ये उसका एक पार्ट जो होगा वो कंबशन चैम्बर में चला जाएगा और अगला पार्ट जो होगा वो यहाँ पर कूलर में आएगा। कूलर जो होता है वो किस तरीके से बनाया गया होता है, जो ये रैम है एयर आ रही होती है एटमॉस्फेयर की, उसका एक पार्ट यहाँ से ब्लेड कर दिया जाता है नीचे की तरफ, देखिए इस चैम्बर में आ रहा है और ये फिर यहाँ से एग्जॉस्ट होकर के बाहर की तरफ चला जा रहा है एटमॉस्फेयर में फिर से। इसका काम क्या है, केवल इसको ठंडा करना, जो ये कंप्रेस्ड एयर थी इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया था तो हाई प्रेशर पर ही ये क्या हो रही है, इसकी कूलिंग हो रही है। कूलिंग होने के बाद फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर आया टरबाइन में और टरबाइन से फिर जो है ये निकल गया
केबिन में ठंडा होकर के ये एयर जो होती है वो केबिन में चली जाएगी जहाँ पर पैसेंजर बैठे रहेंगे। हम इसका एक टीएस डायग्राम बनाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि टीएस डायग्राम से कि कैसे ये चीज़ होती है इसमें। तो ज़रा देखिए इसका टीएस डायग्राम कैसे बनेगा। थोड़ा सा हम छोटा बना रहे हैं यहाँ पर, आप बड़ा बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर, जहाँ भी आप लिख रहे हो वहाँ आप इसको बड़ा बना लेना। तो ये जो एयर जा रही है केबिन में जा रही है, देखो सबसे पहले होता ये है कि जो एम्बिएंट प्रेशर लिया जाता है वो या तो टीएस डायग्राम में ये कांस्टेंट लाइन जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। एक्चुअल में क्या होती है, जो एक लाइन यहाँ पर बनाएंगे कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाएंगे, तो ये इस तरीके से जो टेटेड लाइन है आप देख रहे हैं टेढ़ी, ये एम्बिएंट प्रेशर को बताती है। एम्बिएंट प्रेशर हो गया केबिन का जो प्रेशर होता है थोड़ा सा एम्बिएंट से ज़्यादा रखा जाता है, ताकि आसानी से अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तभी आसानी से जो है केबिन का जो प्रेशर होगा वहाँ से जो एयर होगी वो आसानी से एम्बिएंट में छोड़ी जा सकती है। आपने पढ़ाई हुआ है कि बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ रखी है कि जब फ्लूइड तभी फ्लो होगा जब प्रेशर डिफरेंस होगा। तो कोशिश ये की जाती है कि जो केबिन का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि आसानी से हम जो है जो केबिन की एयर है वो हम आसानी से एटमॉस्फेयर में निकाल सकें। ताकि हमको फ्रेश एयर चाहिए, हम बार बार क्या कर रहे हैं साइक्लिक उसमें रिपीट नहीं कर रहे हैं उस एयर को, हम फ्रेश एयर फिर से ले रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर रहेंगे एक्शन के थ्रू हम एयर फिर से एंटर करा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होता है, फिर उसके बाद जो होगा ये कंप्रेसर प्रेशर के लिए हम यहाँ पर लाइन ले लेते हैं। अब हम इसको आगे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो जब ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो होगा ये देखो, सबसे पहले जो आएगा वो रैमिड एक्शन में आएगा। तो जब यहाँ से अच्छा हाँ ये तो केबिन का हो गया, ये रैम प्रेशर हो गया। तो अब देखिए यहाँ से जब एम्बिएंट से एयर गई तो ये रैमिंग एक्शन के थ्रू यहाँ से यहाँ पर आई। हम आइसेंट्रोपिक रैमिंग मान के चलते हैं कि रैमिंग का प्रोसेस जो हो रहा होगा यहाँ पर सडन प्रोसेस है, तेज है, फास्ट है, एयर की स्पीड बहुत तेज होती है, ड्राफ्ट की स्पीड। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रोसेस होगा ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद कंप्रेसर में गया, जब मेन कंप्रेसर में, तो ये मेन कंप्रेसर में फिर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम मान लेते हैं। वैसे ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन यहाँ पर आइडियल केस में तो हम मान के सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं इसको। तो ये इस तरीके से तीसरा आ गया, ये मेन कंप्रेसर का पार्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वन से टू जो आया ये रैमिंग एक्शन हो गया, टू से थ्री जो आया यहाँ पर, टू से थ्री जो आया ये मेन कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस होगी। फिर उसके बाद ये एयर का जो है ये पार्ट जो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसको हम अभी अपने इस लेवल पर इसको जो है इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो कम्बशन चैम्बर में जाता है, क्योंकि एयर की ज़रूरत होती है कम्बशन चैम्बर में, तभी वो जो फ्यूल होगा वो बर्न करेगा। फिर उसके बाद जो एयर आ रही है वो कूलर में आ रही है, देखिए यहाँ पर कूलर में आया और हाइयर प्रेशर, उसी हाइयर प्रेशर पर कूलिंग हुई, कूलिंग होने के बाद वो एयर यहाँ पर आ गई फोर। तो यहाँ से जो आया वो फोर पार्ट आ गया। फिर फोर के बाद वो जाती है टर्बाइन में, कूलिंग टर्बाइन से फिर केबिन प्रेशर तक जाती है। तो कूलिंग टर्बाइन से जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा यहाँ पर, फिर ये केबिन के प्रेशर तक आ गई है, केबिन का जो प्रेशर था वहाँ पर आ गई है। तो इसका मतलब फोर से यहाँ पर आ गया फाइव पर, ये फाइव आ गया हमारे पास। फाइव से उसके बाद भी क्या होता है, केबिन में जाएगी तो वहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करते हुए हो सकता है हीट को यहाँ तक एब्जॉर्ब करे, हो सकता है आगे तक हीट को एब्जॉर्ब करते चली जाए। तो ये तो डिपेंड करता है कि केबिन में कितना लोड है, तो वो उस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो ये इस तरीके से उसका पूरा कंप्लीट डायग्राम, टेम्परेचर टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हमने यहाँ पर बना करके आपको दिखाया कि ये कैसे यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। तो ये सिंपल था, ये सिंपल, ये विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग सिंपल में ये डायग्राम यहाँ पर आता है। थोड़ी सी इसके एनालिसिस करते हैं, तो देखिए कैसे एनालिसिस करेंगे। प्रोसेस वन टू टू जो है, और प्रोसेस वन से टू, वन से टू प्रोसेस के लिए हम जरा देखें तो क्या हो जाएगा। अगर हम मान लें कि सी जो है एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है, इफ सी इज इक्वल टू एयरक्राफ्ट वेलोसिटी, अगर एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी हम सी मान के चल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पर केजी ऑफ एयर कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी पर केजी, पर केजी, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो काइनेटिक एनर्जी
जो यहाँ पर आ जाएगी वो हो जाएगी ये हो जाएगा हाफ, वैसे एम बी स्क्वायर होती है और पर केजी के लिए तो हो जाएगी एम बी वैल्यू वन हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एयरक्राफ्ट की जो वेलोसिटी आई उससे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आई पर केजी, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी यहाँ पर भाई, एयरक्राफ्ट की जो वेलोसिटी थी वो तो सी थी, और अगर हम उसका जो है काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं कि एनर्जी केवल वही होगी काइनेटिक एनर्जी एयरक्राफ्ट में, तो वो क्या हो जाएगा कि हाफ एम सी स्क्वायर और पर के जी के लिए निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पर के जी, तो पर के जी के लिए हो जाएगा इतने किलो जूल पर के जी, तो किलो जूल में अगर हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम अगर ये पहले तो जूल पर के जी था अगर हम एम के एस पे लेते, किलो जूल पर के जी में लेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सी स्क्वायर अपान 2000 किलो जूल पर के जी। ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये यहाँ पर आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी जो आई एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी अगर सी थी तो पर के जी ऑफ एयर के लिए जो आई काइनेटिक एनर्जी वो ये आई, और इसी से रैमिंग एक्शन होगा, तो जो रैमिंग एक्शन होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी पी ये टी टू माइनस टी वन, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपान 2000। तो यहाँ से अगर हम ये करें तो ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपान 2000 सी पी, ये आ गया। और अगर हम पूरे को टी वन से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये टी टू बाई टी वन माइनस वन इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपान 2000 सी पी इंटू टी वन। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये आया, तो अब हम आगे देखिए कैसे करते हैं इसको। तो इससे जो है यहाँ पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या हो जाता है, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वन प्लस सी स्क्वायर अपान 2000 सी पी इंटू टी वन। तो ये अब हम सी पी की वैल्यू चूँकि हमको पता है कि सिंस सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, मेयर रिलेशन हमको ये पता है इसके बारे में, और सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो सी पी की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी गामा आर अपान गामा माइनस वन। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए दोनों ही क्वेश्चन से ये आ जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग सी पी की वैल्यू तो ये हो जाएगी टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वन प्लस, अब यहाँ पर सी पी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपान 2000 गामा आर टी वन, और ये ऊपर हो जाएगा गामा माइनस वन। तो ये यहाँ पर 2000 गामा आर टी वन ये आ गया। आपको ये पता है, आपने पढ़ा होगा जब आपने साउंड डायग्नोस्टिक पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो साउंड की स्पीड होती है वो ए स्क्वायर, अगर हम साउंड की स्पीड लेकर के चल रहे हैं वो गामा आर टी हो जाती है। याद करिए जब लाप्लास करेक्शन हुआ था और आर टी बाई एम बताया गया था शुरू में, न्यूटन ने बताया था, और उसके बाद फिर वो गामा आर टी अपान एम हो गया था, तो पर के जी मास के लिए तो हो जाएगा गामा आर टी, और ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अंडर रूट गामा आर टी, कि मीटर पर सेकेंड में था, अगर आप के किलो में बनाएंगे तो ये 1000 जो है उसी के साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है चूँकि यहाँ पर जो ले रहे हैं किलो जूल पर के जी पर केल्विन में ले रहे हैं सी सी की वैल्यू, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वन प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर गामा माइनस वन अपान टू, ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर इसलिए लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 1000 ए स्क्वायर जो है वो देखो ए स्क्वायर के साथ जो था इंक्लूड, यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ जो है ये हमने किलो जूल वाला देखो जूल पर के जी में था, ये जूल पर के जी और किलो जूल पर के जी, यहाँ पर जो है यहाँ हमने एनर्जी जो लिया उसी हिसाब से लिया, किलो जूल पर के जी में ले रहे हैं एनर्जी, तो इस तरीके से लेकर के चले गए। यहाँ पर ये बात आई सी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए जो होता है ये इलास्टिक वेलोसिटी है और ये जो है ये एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है, तो सी बाई ए जो होता है वो आपको पता है मैक नंबर होता है, क्या होता है ये होता है मैक नंबर। तो हम इस वैल्यू में देखते हैं यहाँ पर
तो जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा ये, देखिए वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा ये T2 by T1 is equal to 1 plus m square into gamma minus 1 upon 2, या ऐसे भी लिखते हैं इसको, T2 by T1 is equal to 1 plus gamma minus 1 upon 2 times m square. तो ये एक हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, हम रैमिंग एक्शन, ड्यू टू रैमिंग एक्शन हम इसको निकाल सकते हैं. एम क्या कहलाता है, मैक नंबर ऑफ फ्लाइट, ऑफ फ्लाइट का मैक नंबर है. अच्छा, और इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको आइसोट्रॉपिक प्रोसेस मान के चलते हैं तो उस केस में ये हो जाएगा T2 by P1, ये बराबर हो जाएगा T2 by T1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 है. और यहाँ पर एंड ये भी फॉर्मूला होता है. तो इस तरीके से रैमिंग एक्शन के लिए जो फॉर्मूला आपने देखा वो ये होता है ना. तो रैमिंग एक्शन का फॉर्मूला जो है वो, अब बचता है प्रोसेस 2 to 3. तो प्रोसेस 2 to 3 यहाँ पर हो रहा है कंप्रेसर वर्क. तो इस केस में वर्क डन बाय कंप्रेसर, डब्ल्यू कंप्रेसर, कंप्रेसर वर्क जो आ रहा है, अगर मास ऑफ एयर ma है तो ma cp और चेंज इन टेम्परेचर T3 माइनस T2, ये क्या हो जाएगा कंप्रेसर वर्क. ma क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्लडेड एयर, ये क्या है, मास ऑफ ब्लडेड एयर, मास ऑफ ब्लडेड एयर हो गया ये. इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं. प्रोसेस 3 to 4 कूलिंग हो रही है, आप देख रहे हैं कूलर में. तो ये यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस है. तो ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस में सेम मास है, ये मास वही रहेगा सीपी, और टेम्परेचर डाउन हो रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, T3 माइनस T4, जरा देख लीजिएगा यहाँ पर T3 माइनस T4, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है. तो यहाँ पर आप प्रोसेस अगला आता है प्रोसेस 4 to 5, ये एक्सपेंडर का प्रोसेस है. तो यहाँ पर एक्सपेंडर प्रोसेस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन वॉल्यूम है ये यहाँ पर. ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर तो वही रहेगा ma cp, और ये हो जाएगा T4 माइनस T5. तो ये W एक्सपेंडर, ये एक्सपेंडर वर्क आया यहाँ पर. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो लेंगे वो कैसे लेंगे, वो जरा देख लीजिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे आता है. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा वो हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये RN लिख सकते हैं आप इसको, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या क्यू रेफ्रिजरेशन भी लिख सकते हैं. यही क्या हो जाएगा, क्यू रेफ्रिजरेशन भी आप लिख सकते हैं इसको. तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा यहाँ से यहाँ तक केबिन में, वो हीट पे एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब इतनी कूलिंग कर रहा है. तो मास वही है ma cp, और ये हो जाएगा T6 माइनस T5. क्या है, T6 जो है वो केबिन का टेम्परेचर है. तो ये T6 जो है, ये T6 इज इक्वल टू इनसाइड केबिन टेम्परेचर, जो T6 है वो केबिन के अंदर का टेम्परेचर है. तो यहाँ से अब हम इसको निकालना चाहें, देखिए अलग अलग फार्मूले यहीं से बनेंगे. पहला फार्मूला अगर हम बनाएं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन. देखो यहाँ पर जो वर्क डन लिया जाएगा वो वर्क डन जो होगा वो केवल कंप्रेसर वर्क हम लेंगे, एक्सपेंडर वर्क वहां पर हम नहीं लेंगे. तो यहाँ पर केवल कंप्रेसर वर्क होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया है वो क्या आ जाएगा, ma cp, और ये आ रहा है T6 माइनस T5 अपॉन वर्क डन बाय कंप्रेसर. यहाँ पर कंप्रेसर कह रहे हैं, ये कंप्रेसर हो जाएगा ma cp T3 माइनस T2. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा हो जाएगा T6 माइनस T5 अपॉन T3 माइनस T2. ये इस तरीके से हम इसकी COP निकाल लेंगे. तो COP का फॉर्मूला आ गया. अगर हम कह रहे हैं कि Q टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कूलिंग लोड है, इफ Q टन ऑफ रेफ्रिजरेशन
इसका फॉर्मूला यही से बन जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला जो होगा, इफ क्यू टन इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन लोड इनसाइड द केबिन, तो केबिन में जो है अगर रेफ्रिजरेशन लोड क्यू है तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि एम ए सी पी इंटू डेल्टा टी, ये बराबर क्या हो जाएगा क्यू, और क्यू के ऊपर यूनिट हम लिख ले रहे हैं किलो जूल पर आर के लिए, तो वहाँ पर हो जाएगा 14,000 किलो जूल पर आर में, तो ये हो जाएगा एम ए बराबर 14,000 क्यू अपान सी पी, और डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी टी सिक्स माइनस टी फाइव, इतने के जी पर आर, ये हो जाएगा ये मास फ्लो रेट, कितना मास फ्लो कराएंगे, ज़्यादा मास फ्लो कराएंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ जाएगा, तो कितना हम अगर क्यू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहते हैं तो उस केस में कितना मास की क्वांटिटी, कितनी एयर की क्वांटिटी उसके केबिन के अंदर फ्लो करानी पड़ेगी, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो ये आ गया, पावर निकालना है, अगला फार्मूला हम पावर के लिए ले लेते हैं, तो थर्ड फार्मूला जो होगा वो पावर, पावर जो होगा वो आप जो कंप्रेसर वर्क है वहीं से पावर निकलेगा, तो P बराबर हो जाएगा एम ए सी पी टी थ्री माइनस टी टू, ये है यहाँ पर ये अपान 3600 कर देने पर किलोवाट में आ जाएगा, ये किलोवाट में आ जाएगा ये, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि एम ए सी पी टी थ्री माइनस टी टू जो था वो यहाँ पर किलो जूल पर आवर में था, ये है ना, तो ये चीज़ वर्किंग रेट है ये, अगर ये यहाँ पर देख रहे थे तो क्योंकि मास फ्लो रेट जो था वो केजी पर आवर में था, तो उस केस में वहाँ पर जो आ जाएगा ये एनर्जी जो आ जाएगी वो जो कंप्रेसर वर्क जो आएगा वो किलो जूल पर आवर में आएगा, और उसको अगर हम पर आवर को जो है सेकेंड में बनाएंगे तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा किलोवाट बन जाएगा, तो ये पावर जो होगी वो किलोवाट में आ जाएगी। तो COP अगर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की निकालना चाहें तो अब एसी से फॉर्मूला, यहाँ पर COP का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 14,000 क्यू ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पर आ गया, और अपॉन वर्डन, तो वर्डन क्या हो जाएगा एम ए सी पी टी थ्री माइनस टी टू, ये वर्डन आ गया यहाँ पर, हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पावर के टर्म में अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ये 3600 P के बराबर होता है, इतनी वैल्यू आप देख रहे हैं, तो ये 14,000 क्यू अपान 3600 पी फॉर्मूला ये भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप देखेंगे जो सारे फार्मूले हैं, आप चार फार्मूले मेन होते हैं, यही आप किसी पर सारे न्यूमेरिकल होंगे बेस्ड तो आप इससे निकाल लेंगे।